बात है कि सारा कुछ अब घर बैठे हो भाई, उन्होंने जीतना है, उनकी है। किसने जीतना है? अब महबूब कायद ने एमक्यूएम भी ले ली, महबूब कायद ने बाप भी ले लिया, महबूब कायद ने लोटे भी ले लिए, महबूब कायद ने डिसएडवांटेज, एक सेकंड, एमक्यूएम इज एन एडवांटेज, चलो बाप इज ऑल्सो एन एडवांटेज, आईपीपी डिसएडवांटेज है, अपनी सीटें देनी पड़ रही है उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए भी है। एक बात सुनिएगा, दूसरा देखिए, ये सारी एडजस्टमेंट जो है ना, इसका ये लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में मुस्लिम लीग उनको नुकसान है, ये उनके फायदे की चीजें नहीं है कि अगर आप सोचें कि उनको बड़ा फायदा हो रहा है। अच्छा, ये उनको नहीं पता, खासकर ये जो आपको पता है ये उनको नहीं, खासकर मेरी बात सुनिए, ये उनको नहीं पता। इस माहौल में कहा जा रहा था बल्ला नहीं होगा, बल्ला आ गया है, बंदे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए, अब तो मुकाबले होंगे। So, ये तो उसके खाते में थे ना, ये सारी एडजस्टमेंट है कि सर और तरीके साहब से होगी नहीं, तुसी दसो आपसे कर राल मिल के ज्यादा सीटा, यही बात है ना आमिर साहब के, इसमें कुछ आप डिसएग्री करते हैं? देखिए, अब मैं जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना, थोड़ी सी वो जाहिर है इनकी राय है, पर मेरे सवाल का जवाब दें कि ये उस माहौल में ये सारी एडजस्टमेंटें ठीक थी, अगर बल्ला ना होता, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट ना हुए होते, मुकाबले के कैंडिडेट ना होते, अब तो सारे नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गए, बल्ला आ गया, अब आपको लगता है कि ये नुकसानदेह है ये एडजस्टमेंट? देखिए मैं बताऊं, नुकसानदेह और उस चीजों में नवाज शरीफ रोटी को चोची नहीं कहते, उन्हें पता है कि मुझे क्या निगलना उगलना मुश्किल है, ये इसीलिए बहुत सारी चीजों को हर बार ही होता है, फिर भी नहीं देखें वहां पे आप जब जाते हैं ना उस पे, उसको जिसको आप कहते हैं कि हर बार ही होता है, फिर आप उसको डेमोक्रेट भी कहें कि वो नहीं करता उस बात पे कंप्रोमाइज जो बात आप इशारे में कह रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए कल आप बिलावल साहब के इंटरव्यू में कहा ये राइट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो जो मर्जी, मतलब ये जो कहता था कि मेरे घर कोई कहे मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, कहा था ना इन्होंने, क्या किया? तो ए भी थे कहते सर, इन्होंने जब भी किया आपके सामने, इन्होंने 99 कोई नहीं खड़ा होता, 99 में उड़ाया सामने, उड़ गए, डील करके आ गए ना, एक मिनट हम सर डील करके, आपको डील क्या करनी पड़ी, वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि वोट मैटर करे, यहाँ पे वोट मैटर कर रहा है, हम सारे वोट की इज्जत 8 तारीख को निकलेगी, ये जितने बहादुर है ना 8 फरवरी को अपने अपने वोटर को लेके पहुंचे, आपको जवाब मिलेगा आईपीपी का, नहीं दिस इज नॉट द पॉइंट, देखें अगर आपका वोटर नहीं है और आपके वोट निकल आते हैं फिर मसला होता है, तो फिर ही मसला यही होगा ना, अगर वोटर इंतखाबी उसमें वहां पे उसमें नहीं पहुंचता पोलिंग स्टेशन पे और वोट निकलता है, सवाल तब होगा, अगर वोटर पीटीआई के पोलिंग स्टेशन मान ली सारी निकल रहा है वो नून का, फिर सवाल वोट को इज्जत, नहीं अब एक मिनट, नहीं मुझे तो बात करने दे ना, होगी ताड़ी गल, नहीं इतनी सारी बातें, लेकिन असूल की बात देखिए, असूल ये है, सुन लेना मैं सवाल का सवाल पूछो जवाब उसी देना जी, वोट को इज्जतों का मतलब क्या है कि मैं यानी नवाज शरीफ, वो बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान, जो भी आपने अपनी कैंपेन करें, अपने उम्मीदवार खड़े करें, जिसको लोग वोट डाल दें वो जीतें, वो करके क्या है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये मांग रहे हैं, कल मियां जवेर लतीफ साहब कहते हैं हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि इमरान खान को फांसी पर नहीं लड़ा और हमें कुड़ी का रिश्ता नहीं देता उन्होंने, ऐ दो मुश्किलात रह गई है कि एक इमरान खान को फांसी दो और लड़की का रिश्ता दो, तब जाके लेवल प्लेइंग फील्ड, बात कर रहे थे ना जज्बाती वाबस्तगी बल्ले के साथ, इट इज नॉट जज्बाती, मुझे जवाब तो लेने देना यार, व्हाई डू यू थिंक गलत को गलत कहना जज्बाती, तो मैं अपना जवाब, आपने मुझसे सवाल पूछा जवाब दो दूं,